सबको ओम शांति। आज हम सब लोग अपने सामान्य दर्शकों और छात्रों के लिए संस्कृत और संस्कार के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आज जानते हैं कि लोग कहते हैं भाई कहाँ की सभ्यता कैसी है, कहाँ की संस्कृति अच्छी है। इन दोनों संदर्भों में सबसे पहले हम संस्कार पर चलेंगे और संस्कार पर जब चलते हैं तो हमें सर्वप्रथम यजुर्वेद का एक मंत्र है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, अर्थात वह प्रथम संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है विश्व की प्रथम संस्कृति मानी जाती है और इसके मुकाबले इसके वजन में दूसरी कोई संस्कृति आज तक सभ्यता और विचारों में जो आत्मा की गहराई है वहां तक नहीं पहुंच सकी है। आप लोग सोचते होंगे कि भारत पिछड़ा है, लेकिन सत्य बात है पिछड़ा, लेकिन विचारों के मामले में आज भी हम पश्चिम से और दूसरी अरब की जो विचारधारा है और यूरोप की जो विचारधारा है, अमेरिका की जो विचारधारा है, उन सबसे भारतीय मनीषा आज भी बहुत आगे है, क्योंकि भारतीय मनीषा के पास आत्म तत्व है। वो विश्व की किसी संस्कृत पास आत्मा का वो तत्व नहीं है जो भारतीय मनीषा ने सोचा है कि आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। तब देखिए भारत का मतलब ही होता है, भा माने होता है ज्ञान, रत माने रत रहने वाला, जो ज्ञान में रत रहता वही क्या है, भारत है, और जो ज्ञान की संस्कृति है वही भारतीय संस्कृति है। तो भारतीय संस्कृति के लिए कोई बहुत बड़ा एक क्षेत्र का निर्धारण करना कठिन है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के जो बीज हैं वो चारों तरफ फैले हुए हैं। अब देखिए संस्कार कहते हैं ना, किसी चीज को सुधार करना, परिष्कार करना, उसको संस्कार कहा जाता है, और उसके सुधरा हुआ रूप क्या है, संस्कृति है, जो उसका परिमार्जित रूप है वो क्या है, संस्कृति है। अब संस्कृत में बहुत सारे विचारधाराएं, बहुत सारे तत्व होती हैं। जब हम भारतीय संस्कृत की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृत का मूल सबसे जो जड़ चीज है वो आत्म तत्व है, और उस आत्म तत्व को पकड़ करके भारतीय संस्कृत आज भी जीवित है, जिसके नाते बहुत सारे सभ्यताएं, बहुत सारी चीजें मिट गई, लेकिन आत्म तत्व के कारण भारतीय संस्कृत आज भी जिंदा है। भारतीय संस्कृत के मूल में उपभोग की संस्कृति नहीं है, भारतीय संस्कृत संयम, त्याग और तपस्या की संस्कृति है, क्यों, इस उपनिषद कहता है, ईशावासमिदं सर्वं यत् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा कृतः कश्चित् धर्म। जो कुछ भी इस सृष्टि में है सब ईश्वर से परिपूर्ण है, और उसका त्याग पूर्वक उपभोग करना ही संस्कृत का प्रथम लक्षण है, एक मानव होने का प्रथम लक्षण है त्याग करके, और किसी दूसरे के धन का लालच न करना। ये भी बहुत बड़ा चीज है कि हम दूसरों के चीजों पर अपनी लालची दृष्टि न लगाएं, तो हम एक समाज में मानव कहने के हकदार हैं। अब जहां तक संस्कृत के व्यापक रूप की चर्चा आती है तो संस्कृत में भाषा, पहनावा, वहां के विचार, वहां के रहन सहन, वहां के खान पान और वहां के जो रीति रिवाज है, नैतिकता की मान्यताएं हैं, वहां की भाषा है और वहां के जो मूल विचार की मूल मान्यताएं होती है, यह सारी चीजें क्या होती है, भारतीय संस्कृति में आती है, और यही चीज विश्व की किसी भी संस्कृति के मूल तत्व होते हैं, वहां के विचार, खान पान, रहन सहन और वहां की जो नैतिकता की मान्यताएं हैं, वहां की जो चाल चलन, ये सारी चीजें संस्कृत का अंग होती हैं। तो हमें विश्वास है आप सबने संस्कृत को समझा होगा, हमारे साथ जुड़े रहें।